Hello friends, how are you? This is Sony from Sony Scholar. Welcome to my channel. Friends, आज का वीडियो रेगुलर से हटकर है. आज हम arthritis और उसकी exercise के बारे में बात करेंगे. तो friends, कुछ age के बाद arthritis जो है वो काफ़ी लोगों को आ जाता है. knee में pain शुरू हो जाती है और आजकल तो बहुत young में भी arthritis की प्रॉब्लम जो है वो देखी गई है, और मेडिकेशन करने के बाद भी उसका असर जो है वो कम रहता है. तो उससे हमें एक्सरसाइज से फ़र्क पड़ता है और हमारी कुछ लाइफस्टाइल को चेंज करने से हमारे arthritis के पेन को थोड़ा कम किया जा सकता है. तो फ्रेंड्स, आज हम कुछ एक्सरसाइज देखेंगे जिससे हम arthritis के पेन को थोड़ा कम कर सके, और बात करेंगे arthritis की एक्सरसाइज की. तो एक्सरसाइज करने से पहले हमें कुछ तैयारी करनी होगी, उसके लिए हमें एक टॉवल की ज़रूरत पड़ेगी. तो ये फ्रेंड्स, कोई भी आप रेगुलर टॉवल जो यूज़ करते हो और वो ले लेना है. उसको हम ये देखिए इस तरीके से फोल्ड करेंगे. फोल्ड करने के बाद हम चौड़ाई में इसको फोल्ड कर लेंगे. तो ये हमारा चार फोल्ड हो जाने के बाद हम कुछ इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसको हल्का हल्का रोल कर देंगे. इस तरीके से हम रोल करके कुछ इस तरीके का रोल बनाएंगे जो कि हम एक्सरसाइज में यूज़ करने वाले हैं. लेकिन डेली इसको रोल करना या टॉवल को ढूंढना मुश्किल हो जाता है, तो मैंने कुछ इस तरीके से ये देखिए फ्रेंड्स, ये पिलो बनाया है जिसमें मैंने कॉटन भर दी है. अच्छे से स्टिफ है, ये सॉफ्ट नहीं है. तो अच्छे से हमने भर कर इसको ऐसे राउंड शेप दे दी है जो कि मेरी एक्सरसाइज डेली की एक्सरसाइज में काम आता है. तो आप इस तरीके का भी बनाकर रख सकते हो जो कि आपके एक्सरसाइज में डेली यूज़ होगा. तो फ्रेंड्स, चलते हैं अभी एक्सरसाइज देखते हैं कि कौन सी एक्सरसाइज करने से हमें थोड़ा arthritis में फ़र्क पड़ेगा. तो चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं arthritis के लिए हैं. तो सबसे पहले हमें वो टांगे सीधी करने के लिए बोलते हैं, और यहाँ देखते हैं अगर हमारी टांगे जो हैं एकदम स्ट्रेट हैं, दोनों नीज इक्वल हैं, तो बराबर है. लेकिन अगर हमारी टांगे थोड़ी सी, एक टांग हल्की सी जिस तरह से हल्की सी ऐसे ऊपर लिफ्ट हुई है, तो हमारा जो है वो प्रॉब्लम है. तो हमें एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हमें तो ये और हमारी नर्व स्टिफ होती जाएंगी और हमें आगे आगे और ज़्यादा ये बेंड होती जाएगी. ये और ज़्यादा बेंड होगी तो हमारा एक पैर जो है वो छोटा रह जाएगा और एक बड़ा रह जाएगा, और हमारे चलने में भी दिक्कत हो जाएगी. तो वो टेढ़ा नहीं चले, हम सीधा चलते रहें, उसके लिए हमें कुछ एक्सरसाइज बताते हैं तो जो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है. वो सीधी रहें और हमारी टांगें सीधी रहें, एक टांग बेंड नहीं हो तो, और हमारे चलने में भी प्रॉब्लम नहीं हो. तो उसके लिए हमें, जैसे कि मैंने पहले आपको टॉवल का पिल्लो बताया था और ये मैंने बनाया हुआ है एक्सरसाइज के लिए, तो उसको हमें, जो हमने पिल्लो रखा है जिस टांग के नीचे, तो उस टांग को हमने यहाँ से उठाना है, यहाँ पर प्रेशर देना है. यहाँ पर प्रेशर देते हुए ये हमें टांग को उठाना है. एकदम से यहाँ प्रेशर दिया और इसको उठाया, यहाँ प्रेशर दिया और इसको उठाया, और धीरे से नीचे. इस तरीके से करते हुए हमें 10-12 बार और जो जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो वो करते जाना है. पहले 5 बार करके, फिर 10 बार करके, इस तरीके से आपको बढ़ाते जाना है. तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर प्रेशर देना है और उसको लिफ्ट के स्टिफनेस नहीं आएगी और हमारी जो प्रॉब्लम शुरू हुई है वो ठीक होती जाएगी. ये बहुत ज़रूरी एक्सरसाइज है जिसका हमें मालूम नहीं पड़ता, और लेकिन लेटर आवर्स में जब हमारे
शुरू हो जाते हैं चलना तो हमें मालूम पड़ता है। तो ये एक्सरसाइज इसी हिसाब से हमें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। तो फ्रेंड्स इसी हिसाब से हमने ये वाली सेकेंड एक्सरसाइज करनी है, और इसको हम जब पीछे करके हम प्रेशर देते हैं तो हमारा प्रेशर जो है वो नी के ऊपर पड़ना चाहिए। तो खाली ऐसे ऐसे नहीं करना, आपको उसको प्रेशर देना है, प्रेशर से आपको पीछे करना है, और यहाँ पर हमें हमारा प्रेशर जो है वो आपको फील होगा। तो ये होगी सेकेंड एक्सरसाइज, इसको भी आपको पाँच से शुरू करते हुए धीरे धीरे करके बढ़ाते जाना है। अभी हम सिंपल एक्सरसाइज करेंगे जो कि हमारे ऑर्थराइटिस में करनी होती है। डाउन करना है और दोनों टांगों से बार बार देखिए इस तरीके से उठाना है और स्ट्रेट करना है। पहले एक टांग से आपको 5 से 10 बार करना है, ऐसे ही दूसरे टांग से आपको 5 से 10 बार करना है। 4 5 6 7 7 बार हमने इधर से किया, ऐसे ही हमने 7 बार इधर से किया। पिल्लो लिया है, उसको दोनों टांगों के बीच में रखना है आपको और प्रेशर देना है, इसको दोनों को प्रेशर देना है इस तरीके से। दोनों टांग यहाँ पर नीज के बीच में आपको रखना है और प्रेशर देना है। 3 4 5। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये एक्सरसाइज देखकर थोड़ी इंस्पिरेशन ज़रूर मिली होगी, और आप भी ज़रूर इसे ट्राई करोगे। आप ज़रूर इसे कीजिए और इससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, मुझे पक्का उम्मीद है, क्योंकि मुझे भी इसका काफ़ी फ़ायदा हुआ है। तो आप ज़रूर एक्सरसाइज स्टार्ट कीजिए और बताइए कि आपको इससे फ़ायदा हो रहा है कि नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक्स अगेन। तो फ्रेंड्स आपने ये एक्सरसाइजेस देखी ऑर्थराइटिस की, और इसके साथ साथ आपको लाइफस्टाइल भी थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। जिसको ऑर्थराइटिस की प्रॉब्लम है वो कॉन्टीन्यूसली खड़ा नहीं हो ज़्यादा टाइम तक, और अगर कोई भी काम है तो एक बार ना करके थोड़ा करो और फिर बैठ जाओ, फिर थोड़ा करो और बैठ जाओ। थोड़ा अपना लाइफस्टाइल चेंज करना होगा जिससे पेन जो है वो कम हो सके। तो ये छोटे छोटे टिप्स हैं जिसको हम यूज़ करके अपने पेन को कम कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो ये कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।